क्या टॉपिक चल रहा है बच्चों, बताओ। फास्फोरस, सर हम लोग ने लास्ट ये एच डी थ्री पी ओ डॉट फोर इज अ वीक एसिड हाँ एंड आयनाइजेशन डिक्रीजेस इवन मोर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एच टू एस ओ फोर। हमने फास्फोरस का प्रिपरेशन पढ़ा था ना बेटे, उसी में सर बताया था यस ना। यस सर यस तो ओल्ड प्रोसेस बता दिया था आपको ना। यस सर ओल्ड प्रोसेस और एक उसके बाद एक टेबल बनाया था बड़ा। हाँ, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन, राइट। यस सर ओके okay. मॉडर्न और इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सिलिका प्लस कार्बन रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोक। तो यहाँ से कैल्शियम सिलिकेट आएगा और पी फोरोटेन को ये रिड्यूस कर देगा। और अब देखिए, फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब एलोट्रोपी से सब लेके सब कुछ बता चुका हूँ। रेफर टू जनरल प्रॉपर्टीज और सर यही। वो रिटॉर्ट प्रोसेस का आपने स्टेप 1 ही बताया था एक्चुअली। यस स्टेप वन एसिडिफिकेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट था, दूसरा कैल्सिनेशन था, तीसरा बताया था ना बोरोन जैसा होता है, बताया था कि नहीं बताया था। हाँ मतलब आपने लाइक लास्ट क्लास में नहीं बताया था बोरोन के टाइप ना टाइम के आपने बताया था। यार दोबारा क्यों रिपीट करा रहे हो यार, हाँ लिख लो ओके सर, जाओ आप बस हाँ होगा सर, इजाइट सॉरी सर। लिख लो भाई रिटॉर्ट प्रोसेस के बारे में कि रिटॉर्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री स्टेजेस। फॉलोइंग थ्री स्टेजेस, पहला भाई एसिडिफिकेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और बेरियम फॉस्फेट टू गेट एच थ्री पी ओ फोर। दूसरा कैल्सिनेशन ऑफ एच थ्री पी ओ फोर टू फॉर्म पी फोर ओ टेन टू फॉर्म पी फोर ओ टेन। तीसरा कार्बन रिडक्शन ऑफ पी फोर ओ टेन टू गिव फॉस्फोरस। ठीक है भाई साथी, क्या नाम था आपका जिसने पूछ रहा था कि आत्मन जय 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 शंकर और जय कौन सा, जय ओनली जय। मिस्टर यस जय आर यू हैप्पी नाउ? यस सर सॉरी सर। सॉरी किस बात के लिए बेटा? हाँ भाई अब देखिए कंबशन पे बताया था, कंप्लीट कंबशन पे क्या होगा, पी फोर ओ टेन मिलेगा और वाइट फॉस्फोरस केमिलुमिनेसेंस दिखाएगा, रेड फॉस्फोरस नहीं दिखाएगा। तो कंप्लीट कंबशन पी फोर ओ टेन कितना पास है, P4 की NaOH के साथ रिएक्शन अपने आप लिखनी है। कौन सा एलोट्रोप रिएक्ट करता था कुछ याद है? रेड व्हाइट हाँ फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट राइट। करता था, रेड रिएक्ट नहीं करता था, टू स्लो टू बी कंसिडर्ड। ठीक है तो इसमें देखिए अपने आप करेंगे, डिस्प्रोपोर्शन होता था, अगर याद नहीं हो तो पीछे से देख के लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कुछ डिफरेंट नहीं है, सॉल्ट कैल्शियम का आएगा सर, बेरियम में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा कॉन्क एच एन ओ थ्री के साथ क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन। मैं इस पेज पे कोई रिएक्शन पूरी नहीं करूंगा, जल्दी से कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा कॉपी? हाँ नेक्स्ट इज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट।
फॉस्फोरस P4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, सेम रिएक्शन पिछले पेज की हमने कैरी करी है। इसके अलावा ओजोन प्लस H2O, H3PO4 प्लस O2 भाई। अब देखिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करता है, भाई CO3P2 और H3PO4 प्लस H2SO4, और CO3P2 फर्दर रिड्यूस होता है। तो ये तो रिड्यूस अभी हुआ ही नहीं, अभी तो प्रेसिपिटेशन हुआ है। कॉपर और भाई H3PO4 और H2SO4। तो देखिए फास्फोरस रिड्यूसेस कॉपर सल्फेट भाई टू कॉपर, ऐसे ही AgNO3 को रिड्यूस करता है भाई Ag में H3PO4 HNO3 और Ag, और इसके अलावा अब देखिए रेड फास्फोरस जो होता है यूज्ड इन मैचस्टिक्स, देखा होगा आपने मैचस्टिक्स के टॉप पर रेड रेडिश भी होता है वो, मतलब है ना, तो या तो रेड फास्फोरस होता है या फिर वो SB2S3 भी लेते हैं भाई। उसमें SB2S3 भी रहता है, सल्फर भी रहता है, एंड दिस इज टू बर्न फॉस्फोरस और इसमें K0O3 और थोड़ा बहुत K2Cr2O7 भी रहता है फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यस देखिए जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल आप अगर नहीं बोलेंगे कि कर लिया कि नहीं तो फिर मैं जल्दी जल्दी और फ्लिप कर दूंगा बेटे, है ना। PH3 भाई कैसे बनेगा, कोई आइडिया मिस्टर जय? फास्फोरस प्लस NaOH ठीक है भाई, क्या नाम था, विनीत था ना, है ना, निशित निशित बाय एक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस ऑन NaOH, एक्शन ऑफ NaOH ऑन व्हाइट फास्फोरस होना चाहिए, इससे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन अपने आप लिखेंगे, इसमें क्या होता है याद है, स्मोक कम्स आउट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ P2H4, है ना। यस सर, और NaHPO3 भी बनता था। NaHPO3 नहीं निकलता है, Na2HPO2 निकलता है बेटा, आप बिल्कुल गलत हो गए कॉन्फिडेंट के साथ। चलिए बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक फॉस्फाइड्स, और भाई ये भी बताया पहले M3P2 तो इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं MOH बोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद बाय पापा बाय जो इम्प्योरिटीज ऑफ P2H4। ठीक है इसको हम डाइल्यूट एस्टर सपोर्ट्स भी करा सकते हैं। यस सर, यस सर, वन सेकंड लिख दीजिए भाई, कलरलेस पॉइजनस, कलरलेस पॉइजनस गैस, स्मेल्स ऑफ रॉटन फिश, सॉल्युबल इन वाटर,
सॉल्युबल इन वाटर, और कंडेंसेस टू कलरलेस लिक्विड, कंडेंसेस टू कलरलेस लिक्विड, और एक प्रिपरेशन जरा से रह गई थी, तो ये कर सकते हैं फॉस्फोनियम हैलाइड पर NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एल्कली का एक्शन होगा तो क्या होगा, PH3 आएगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी, वही हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा बट अमोनिया से कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, तब वही यहाँ पे PH3 और P4+H रेड फॉस्फोरस आता है और थर्मल स्टेबिलिटीज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ MH। कंबशन और P4O10 बनाएगा प्लस H2O, N2O के प्रेजेंस में भी P4O10 N+H2, ठीक है। एक्शन ऑफ क्लोरीन Cl2, जैसे अमोनिया के साथ दो कंडीशन थी वैसे यहाँ पे भी दो कंडीशन है, एक्सेस एक बार PH3 एक बार Cl2, तो यहाँ पे PCl3 और HCl आएगा, यहाँ पे PCl5 और HCl आएगा। मेरे साथ साथ ही लिखना है बेटा, इसके बाद एक्शन ऑन सॉल्ट्स, C3P2 फ्लैट प्लस H2O, HgCl2 ब्लैक, दोनों ब्लैक, और सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करता है Ag+ HNO3 H3PO4। बेसिक नेचर, वीकली बेसिक, रीजन पहले बता रखा है सॉरी फॉस्फोनियम हैलाइड, इसके अलावा एडिशन कंपाउंड्स लुईस एसिड्स के साथ एडिशन कंपाउंड्स बनेंगे, मतलब PH3 एज अ लुईस बेस एक्ट कर रहा होगा, AlCl3 प्लस PH3 .2PH3 .2PH3 इवन Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और Cl.PH3, दीज आर ऑल लुईस एसिड बेस अडॉप्ट। हटा दूं? यस और हम तो नहीं आ गया, और SFL है कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, और CA3P2 इट इज
यूज टू मेक स्मोक स्क्रीन प्रोटेस्ट वगैरह में वो PH3 बनता है एंड ऑल। इसके अलावा Ca3P2 और CaC2 ये होम सिग्नल में यूज होता है और प्रोसेस यही होता है कि ये PH3 और P2H4 दोनों देगा। CaC2 भाई हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH देगा, ठीक है। और भाई ये जो होगा इट बर्न्स इजीली और भाई ट्रिगर्स कंबशन ऑफ HC CCH। तो शिप्स वगैरह डिस्ट्रेस में होते हैं तो मूवीज में ही देखा होगा फायर करते हैं ऊपर लाइट आती है तो भाई होम सिग्नल। इसके अलावा भाई PCL3, ठीक है, PCL3 प्रिपरेशन बाय एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन P4 वाइट फॉस्फोरस SOCl2 PCl3 S2Cl2 और SO2। इसके अलावा P4Cl2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन PCl2 PH3 अभी करा था एक्सेस प्लस Cl2 यहाँ से भी PCl3 मिलेगा। नोटेड सर। हाँ लिख दीजिए भाई कलरलेस कलरलेस लिक्विड और पंजन स्मेल स्मेल और बस कुछ नहीं। एक्शन ऑफ एयर और उसमें लिख दीजिए PCl3 गैस फ्यूम्स ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और भाई क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है ROH। कल हम एक्स्ट्रा क्लास रखने वाले ना बच्चों, ना बच्चों यस मॉर्निंग में ना सर। कल मॉर्निंग में कोई क्लास है आपकी? नो सर, नहीं सर। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या कहते हैं कब रखने जाए? हो सके तो सुबह रख सकते हैं 8 o'clock या 7:30 सर। सुबह भी चलेगा या शाम को 6 बजे? सुबह हो सके तो सुबह, नहीं तो एकदम शाम को। हाँ बेटे सुबह तो मेरी मॉर्निंग में क्लासेस है तो सुबह तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करूंगा। इवनिंग मतलब शाम को 7:30 बजे सर। 6 बजे सर, 6 बजे के अराउंड रख सकते हो सर। 6 बजे के अराउंड रखते हैं, ठीक है। मैं कल कंफर्म करूंगा। सर कितनी लंबी क्लास रखेंगे आप? वो भी 100 hours got it। जब तक है जहाँ ऐसा होगा तब तक जिंदा है तब तक क्लास है। कितनी लंबी क्लास रखेंगे यार। हाँ भाई जल्दी करिए कॉपी। देखिए मतलब क्लोरीनेटिंग एजेंट था यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग के रिएक्शंस में और एडिशन रिएक्शंस में सिर्फ ऐड हो रहा है O2 Cl2 और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है भाई, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये मतलब फॉस्फोरस में कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे ये क्लोरीनेशन था, मतलब मैं क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन, ये क्लोरीनेटिंग इफेक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये है।
सर वो तो एक एजी इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट सर, एजी के साथ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा भाई वो है उसको तो ना रिड्यूस एजी। हुआ है। हाँ मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके सर चले ली। सर PCl5 के साथ क्या होगा? प्रिपरेशन बताओ PCl5 का जल्दी से। सर Cl2 एक्सेस और BH3 जो अभी हमने करा कोशिश करो मतलब सेम बता के, तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि अच्छा आप आज की क्लास पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में जो हमने करा उसके अलावा कुछ बोलने की कोशिश करिए, दैट बी बेटर। P4 ऑन SO2Cl2, P4 SOCl2 से करते हैं तो PCl3 आता है, SO2Cl2 से करते हैं तो PCl5 आता है, और SO2 या इसी को इससे भी क्लोरीनेट कर सकते हैं, PCl5 और SO2 भाई, और PCl3 और Cl2 से भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स PCl5, ठीक है। और भाई लिख दीजिए पहले, नोटेड। यस सर इसमें लिख दीजिए इट्स येलोइश, इट्स येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, विच स्मेल्स ऑफ क्लोरीन। अब देखिए अपने आप ही रिएक्ट सकते हैं रिएक्शंस को, जैसे मुश्किल रिएक्शन है। तो हीट करते हैं तो भाई एक्सियल सीएल चला जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे POCl3 और HCl, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे H3PO4 और HCl, यहाँ पे RCl, यहाँ पे RCOCl, और ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट ऑर्गेनिक में भी पड़ा हो तो ऐसे। डॉक्टर सर और नहीं PCl5 H2SO4 के साथ देखिए वही क्लोरीनेशन क्या जाएगा भाई, SO2Cl2 और हमारा H3PO4, मेटल्स के साथ क्लोरीनेट कर देगा मेटल्स को, AgCl, SnCl2, COCl2 और PCl3, और भाई PCl5 में और कुछ नहीं है भाई। अब ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस और उनके स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, P4O6 ये इस तरह का चेयर फॉर्म होता है, और ये एंगल 127 डिग्री, और दिस इज अराउंड 100 डिग्री, और भाई P4O6 अभी से मैं बता देता हूँ, मतलब ये कुछ और इसमें इम्पावर नहीं है, कोल्ड वाटर के साथ H3PO3 और हॉट वाटर के साथ H3PO4, और ये जनरल प्रॉपर्टीज में बताया था कि H3PO2 H3PO3 दोनों को अगर हीट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं H3PO4, ठीक है। इसके अलावा भाई गार्लिक स्मेल ये तो पता ही है, जल्दी से डन है।
देखो यस नोटेड सर कैसे डाल नोटेड सर P408 दो इसमें प्लस नहीं है, दो प्लस फोर है, इसको अगर कर देते तो H3 PO3 और H3 PO4 दोनों आ जाता। P4O10 P408 mixed anhydride. Yes. Dimka. Done, sir. P406 error लिख दीजिए. P406 is prepared by P406 is prepared by incomplete combustion of phosphorus by incomplete combustion of phosphorus or PH3 ठीक है, और next there is a white waxy. There is a white waxy solid. White waxy solid. Soluble in benzene. Soluble in benzene. Chloroform. Benzene, chloroform. We are CS2, benzene, chloroform, CS2, और P406 के बारे में Cl2 के साथ POCl3 और PO2Cl देता है, पे मेटाफॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड ठीक है, और ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट लिखिए P408 और उसमें लिख दीजिए भाई इट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फरस और वाइट सॉलिड, वाइट सॉलिड विच सब्लाइम्स वाइट सॉलिड which sublimes or it is a mixed anhydride. It is a mixed anhydride. ठीक है, और जनता
P4O10 को भी कर सकते हैं, P4O10 भी कैसे मिलेगा, बाय कंबशन ऑफ P4PH3N XSO2, क्रिएशन ही लिखूंगा मैं, इसके अलावा बाय कैल्सिनेशन ऑफ H3PO4, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडर्न प्रोसेस हमने लिया था उसी से ड्राइव कर रहे हैं, कैल्शियम सिलिकेट प्लस P4O10, ठीक है। और P4O10 के बारे में प्रिपरेशन, XSO2 N2O भी कर देते हैं इसको, और क्या लिखते हैं, ये हो गया। अब कैल्शियम फॉस्फेट हुई है, इसको कॉन्क एस्ट्रोसपोर से कर दें, और भाई यहाँ से H3PO4 आएगा, इसको हीट करें, तो यहाँ से P4O10 आ जाएगा। भाई कॉपी करिए, मैं एक रहा प्रॉपर्टीज, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सबलाइम्स ऑन हीटिंग और कलरलेस गार्लिक स्मेल ड्यू टू P4O6, गार्लिक स्मेल ड्यू टू P4O6, और रेडिली सोल्युबल इन वाटर एसिडिक ऑक्साइड एंड अ वेरी पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट and a very popular dehydrating agent. अब देखिए reactions मैंने एक साथ दिए हैं, मैं सब एक बार बताता हूँ। H3PO4 इसका detailed mechanism मैंने GIC में बताया। Na3PO4 H2O calcium phosphate barium phosphate again calcium phosphate barium phosphate P2O3 के साथ PPO4 alcohol के साथ E2 dehydration होता है, E2 dehydration और किसके साथ होता है पता है कुछ alcohol का? So strong base भाई अल्कोहल बोल रहा हूँ यार तुम्हारी ऑर्गेनिक। अच्छा वो सॉरी 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 सॉरी
तुम्हारी ऑर्गेनिक भी इतनी ही जबरदस्त है क्या? यस जय, और कुछ बताएंगे बेटा? बेस तो मजा आ गया सुन के, स्ट्रॉन्ग कुछ भी बोल रहे। चलिए जल्दी कॉपी कर दी। POCl3, P4O10, Al2O3, दीज आर द रिएजेंट्स फॉर भाई E2 एलिमिनेशन, लिख लीजिएगा अलग। अभी कर लिया तुमने? सर अभी आपने क्या कहा लिखने? बड़ी रिएक्शंस लिखने का था। नहीं, E2 के लिए वो रिपीट कर सकते हैं? यस, आप सुन नहीं पाए? नोट कर रहा था सर। नोट कर रहे थे, चलिए मल्टीटास्किंग करिए आगे से। P4O10, POCl3 और Al2O3। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? एडन। स्पेलिंग ये AIDEN। AIDEN, ओके एडन। ओके मिस्टर एडन, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए भाई, शुगर्स को डिहाइड्रेट करेगा कार्बन में, और इसके अलावा भाई कोक से रिएक्शन कर सकते हैं। P4O10 जो होगा ये रिड्यूस होगा, हमने प्रिपरेशन में करा ही था, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई ऑक्सी एसिड्स देखते हैं, और फॉस्फरस, और मैं ये लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, मतलब आपको खुद बनाने हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और फॉस्फरस मतलब कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है ये भी अपने आप करना है। ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सारे बता रखे हैं पहले, GIC में भी बताए थे। मेक स्ट्रक्चर्स एंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर, है ना बच्चों? नोटेड सर। और सही H3PO4 पढ़ेंगे, मेन एसिड वही है भाई। कैसे बन सकता है H3PO4 बनता, कुछ बता सकते हो? फॉस्फोरस प्लस H2O। फॉस्फोरस प्लस ठीक है भाई। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इनकी बात करी है, और अपने आप से रिएक्शन पूरा करें। ठीक है, इसके अलावा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 PCl5 एंड POCl3। H3PO4 आ गया, और बाय एसिडिफिकेशन ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट्स यूजिंग कॉन्क H2SO4 CH3PO4 होल्ड बाइस
Which word is? Yes, sir. ये भी कर सकते हैं. एक और कैल्शियम फास्फेट सिलिका. कैल्शियम से लेके पी फोर ओ टेन और पी फोर ओ टेन वाटर एस पी एफ ओ. कूल है. और देख दीजिए ट्रांसपेरेंट डेलिक्वेसेंट. ट्रांसपेरेंट डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन. ट्रांसपेरेंट डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड which absorbs moisture, which absorbs moisture to give syrup type liquid. Moisture to give syrup type liquid. अब इसमें पहले H4P2O7 और ये मैंने मैकेनिज्म के साथ कराया था आपको, मतलब ये जीआईसी में देखिएगा P4O10 का हाइड्रोलिसिस. तो पहले इससे ही आता है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक, फिर ये आता है, फिर ये आता है. बुकलेट में इस पे इक्वेशन भी दे रखा है, उसमें फेज मेंशन है इन दोनों के. तो वो जो दे रखे हैं वो आपको याद रखे होंगे, वो कंसेप्चुअल नहीं है. एक्शन ऑफ एनएओएच जैसे ये पहले भी बताया है, बट ठीक है अभी बताते हैं दोबारा. एनए एच टू पी एफ फोर, इनको हीट कर करके क्या मिलता है, कुछ याद है? एनीवन हु कैन टेल मी द प्रोडक्ट्स? पहले वाले में कैल्गन बनता है, पहले वाले में इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है NaPO3, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर होती है NF4P2O7, इसमें नो इफेक्ट. ये दोनों एसिडिक सॉल्ट है. और यही ठीक है. इसके अलावा एक तो हीटिंग इफेक्ट है याद रखने वाले हैं. और सॉर्ट एनालिसिस पूरा हो गया ना आपका? यस सर. डी ब्लॉक शायद आज चालू करेंगे सर. यस. कौन आर्किटेक्चर करा रहा है? कौन करा? यस सर. एनटी में पी ब्लॉक का सिर्फ आज के लेक्चर तक आएगा ना? यस बेटा. ओके बच्चों उठा दो. अब नहीं ये हो गया, और क्या कर रहे हैं बस. ये कर सकते हैं, मतलब देखिए मैंने बताया तो होगा कि HBr और HI जो होते हैं ये get oxidized by conc H2SO4. तो HF और HCl अगर preparation हो तो हम यहाँ पे fluoride और fluoride salt plus conc H2SO4 method ले लेते हैं. but HBr और HI preparation में Br माइनस और I माइनस सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4 नहीं लिया जाता है,
क्योंकि एच बी आर एच आई ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे एच सी पी ओ फोर दिया था, ये करिए और भाई इसके बाद फर्टिलाइजर्स लिखवाने खत्म है नाइट्रोजन। जनता देखिए भाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पहला नाइट्रोलिम सी एन सी एन प्लस सी, नेक्स्ट यूरिया, नेक्स्ट यूरिया फॉर्मूला अपने आप लिखिएगा, नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और नेक्स्ट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन भी बोलते हैं सी एन, और ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट और CaNO3 होल ट्वाइस डॉट CO, सो कैन यू रिपीट द फॉर्मूला, कैल्शियम नाइट्रेट डॉट CO और इसके अलावा नाइट्रोलिन तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, और फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। और इसके बाद नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में पोटैश फर्टिलाइजर लिख लीजिए, पोटैश फर्टिलाइजर और उसमें लिख दीजिए KNO3, के NO3 पोटैशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन फैमिली पे आते हैं भाई, ऑक्सीजन फैमिली लिखिए, मतलब थ्योरी लिखना पड़ेगा आज काफी सारा, लिखिए ओ एन एस आर टिपिकल नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर टिपिकल नॉन मेटल्स, और सेलेनियम इज वीकली नॉन मेटालिक, सेलेनियम एंड टेलेरियम आर वीकली नॉन मेटालिक, वीकली नॉन मेटालिक, और पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव मेटालिक,
and has short half life and a short half life. Okay. Or we next, oxygen is the most abundant element on earth. Oxygen is the most abundant element on earth. Or अब देखिए ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं डाइऑक्सीजन और ओजोन. तो लिख दीजिए ओजोन इज कंसिडर्ड टू बी एन इलेक्ट्रोप ऑफ ऑक्सीजन. Ozone is considered to be an allotrope of oxygen. Too reactive to remain in atmosphere at sea level. Next point, it is formed 20 kilometers above sea level. From oxygen, or with depletion of ozone layer, मतलब ये भाई NCERT में दे रखा होगा, ऐसी चीजें NCERT से देखने को, तो लिख दीजिए depletion of ozone layer, write a very long note on depletion of ozone layer. Depletion of ozone layer. ठीक है. और अब देखिए कुछ लोग ओजोन को ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन भी बोल देते हैं O2, मतलब यू नो. तो लिख दीजिए कि ओजोन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन. और ओजोन explosively converts to oxygen और देखिए भाई इसके लिए डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा. डेल्टा जी इसके लिए -24 होता है. भाई एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं. तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो मतलब हाईली नेगेटिव भाई डेल्टा जी वैल्यू. गेटिंग इट. और भाई ठीक है. और भाई ये लिख दिया होगा सबने. नेक्स्ट लिखिए एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर. एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर और उसमें लिख लो बच्चों. पहला रोम्बिक और अल्फा सल्फर. सेकेंड मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर. और एक प्लास्टिक सल्फर.
ठीक है, ये फॉर्म जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है, और भाई अल्फा और बीटा में 95.6 ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ये बीटा बन जाएगा अल्फा से, और भाई अबव 95.6 मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट, बिलो 95.6 ट्रॉम्बिक एग्जिस्ट, ठीक है। और भाई अभी तो आप लिखते जाइए भाई, बोथ अल्फा एंड बीटा कंसिस्ट ऑफ S8 रिंग्स, S8 रिंग्स विद बॉन्ड एंगल ऑफ 107, विद बॉन्ड एंगल ऑफ 107, और अल्फा सल्फर इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर, इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर येलो इन कलर, येलो इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 95.6 इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर, क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर एम्बर येलो, ठीक है। और नेक्स्ट बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर आर, बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर में लिखिए एम्बर ब्राउन सॉफ्ट एंड इलास्टिक सॉलिड, एम्बर ब्राउन सॉफ्ट एंड इलास्टिक सॉलिड, कंसिस्ट ऑफ कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट, consist of completely random arrangement of chains of sulfur, next on keeping plastic sulfur it slowly converts to It slowly converts to rhombic sulfur. It slowly converts to rhombic sulfur. अब देखिए सल्फर पर रिएक्शन ऑफ हीट है, ये भी थोड़ा खराब ही है वैसे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि पूछा क्या है। इस सल्फर को अगर हीट करते हैं, मतलब अल्फा सल्फर 113 पे बॉइल करता है, मेल्ट करता है, बीटा 119 पे करता है, तो सल्फर मेल्ट्स। अब आगे हीट करते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ती जाती है भाई 200 तक विस्कोसिटी भाई इंक्रीजेस, और इतनी ज़्यादा कि इसे उल्टा कर दे तो ऐसे गिरेगा नहीं, ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है। फिर 200 के बाद हीट करें तो फ्री फ्लोइंग लिक्विड बन जाता है, और भाई कुछ 4444 के आसपास, मतलब ये 444 के आसपास बॉयल कर जाता है।
अब ऐसा क्यों होता है, देखिए मेल्ट क्यों करा हो तो नहीं, मेल्ट कोई भी सॉलिड करता है, एसेट यूनिट्स होंगे वो, मतलब कुछ टूटेंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई मेल्ट कर गया, उसके बाद क्या होगा, जो S8 यूनिट ओपन होने लगेंगे वो बहुत लॉन्ग चेन्स ऑफ सल्फर बनाएंगे, लाइक इवन थाउजेंड्स ऑफ सल्फर उसमें हो सकते हैं, और वो लॉन्ग चेन्स की वजह से मतलब भाई ये जो होता है वो थिक विस्कस मतलब सॉलिड जैसा हो जाता है, और 200 के बाद फिर वो अगेन लॉन्ग चेन्स होते हैं वो स्मॉलर चेन्स में टूटने लगेंगे, अगर फ्री फ्लोइंग लिक्विड हो जाएगा। बच्चे बॉडी बात समझ में आती है, लिख दीजिए कि भाई एक्शन ऑफ हीट, और उसमें लिखिए भाई बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक मेल्ट्स टू अ येलो लिक्विड, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक मेल्ट्स टू अ येलो लिक्विड, मेल्ट्स टू अ येलो लिक्विड, मेल्ट्स टू अ येलो लिक्विड, भाई कॉमा डाल के रोम्बिक मेल्ट एट 113 एंड मोनोक्लिनिक एट 119, एट 119 और भाई रोम्बिक मेल्ट है बेटे, रिकॉर्डिंग देखिएगा। नेक्स्ट एट एज टेम्परेचर राइजेस, एज टेम्परेचर राइजेस कलर ऑफ लिक्विड, कलर ऑफ लिक्विड डार्केंस, कलर ऑफ लिक्विड डार्केंस, और विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी, with increase in viscosity until it's nearly black, until it's nearly black and becomes until it's nearly black and becomes extremely viscous becomes extremely viscous after 200 degrees C viscosity begins to fall, viscosity begins to fall, अब उसके नीचे लिख दीजिए भाई रीजन, और रीजन लिख दीजिए एज सल्फर मेल्ट्स, एज सल्फर मेल्ट्स भाई S8 ring begins to open. S8 ring begins to open. And other ring systems start getting formed. Other ring systems start getting formed and they form long chains of sulfur causing increase in viscosity, causing increase in viscosity till 200 degrees Celsius, till 200 degrees Celsius and then
and then the chain starts breaking down, and then the long chain starts breaking down. Into smaller S8 units. रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। द S8 का स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्राउन शेप रिंग होती है, गूगल कर लीजिएगा, S8 होता है। बट रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में डिफरेंस क्या है? पैकिंग का फर्क होता है, स्ट्रक्चर सेम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। फिर देखिए, मैंने साइज लिखा है, साइज तो बहुत ही सिंपल है, मतलब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, पोरोडियम का सडनली कम होगा क्योंकि वो लास्ट में मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। और भाई फिजिकल स्टेट पे आ रहे हैं, लिखिए, ये आप तक हो गया ना? ठीक है, सही। ठीक है, लिखिए, टेक डेंसिटी अराउंड, ये लिखिए, ऑन गोइंग डाउन साइज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। बट इंक्रीज इन मास But increase in mass is more dominant, and is more dominant, and that is why density increases on going down. फिजिकल स्टेट लिखिए भाई, ऑक्सीजन इज गैशियस भाई, व्हाइल अदर्स आर सॉलिड्स because oxygen has small diatomic molecules held by weak van der Waals forces or Sulfur and selenium has eight member rings. Sulfur and selenium has 8-membered rings. ठीक है, और देखिए फिजिकल स्टेट तो बताई दिया, डेंसिटी बता दिया, आयनेशन एनर्जी भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और फिर पोलोनियम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ऑर्डर, फिजिकल स्टेट हम कर ही चुके हैं। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी ओ और एसएस में भाई ये 146 होता है, ये 260, मतलब देखिए काफी ज्यादा रीजनेबली
ज्यादा है ना, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है SS की, ये कम क्यों होती है एलपी एलपी रिपल्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गई है, जल्दी से कॉपी। एक लिखने के बाद आप नहीं बताएंगे नेक्स्ट टाइम से, तो मैं एक भी सेकंड नहीं दूंगा लिखने के लिए ना, जब ही ध्यान रखें। ऑक्सीडेशन स्टेट्स -2 to +2, OF2 में +2 होता है, HOF में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसमें +1 होता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव आता है, और तो इसीलिए कहते हैं OF2 और F2O2 दे आर नॉट ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन बट दे आर क्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। और फ्लोरीन देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सल्फर -2 to +6, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे जस्ट से सेकंड अभी एकदम बोल रहे ना, तो पहले जब लिख लेते हैं तो आपको ये ऐसे बताना होता है ना, तो कोई बात नहीं जगह छोड़ते। रिड्यूसिंग एबिलिटी H2O H2S भाई H2T और भाई बॉन्ड टाइप में आ जाते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म्स आयनिक ओजोनाइड सुपर ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, अदरवाइज कोवेलेंट और कोवेलेंसी मतलब तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, 2 और 3 H3O+ में कोवेलेंसी 3 होती है, और सल्फर ये सारे तो आयनिक नहीं है बट आयनिक सल्फाइड्स एंड पॉलीसल्फाइड्स विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अदरवाइज कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंसी 2, 4, 6 की सल्फर के लिए ज़्यादातर रिपोर्टेड है। ठीक है भाई, वेटिंग रूम ऑन है क्या? डन सर। क्या डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर दोबारा एंटर करने के लिए कोई तुम्हें परमिशन की तो जरूरत है नहीं? भाई हर्षित कंदपाल हमारा जो है वो मैसेज कर रहा है कि सर टेक मी इन।
जाने तो भाई पंतपाल जी, सल्फर के लिए हम बात करते हैं बॉन्ड टाइप। ये लिख लीजिए कि सल्फर कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी टिल 6, सल्फर कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी टिल 6 ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। और नेक्स्ट लिखिए कैटेनेशन, कैटेनेशन उसमें लिख दीजिए भाई सल्फर हैज स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन एबिलिटी, सल्फर हैज स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन एबिलिटी। ब्रैकेट में लिख दीजिए नेक्स्ट ओनली टू कार्बन, नेक्स्ट ओनली टू कार्बन। और नेक्स्ट पॉइंट कैटनेशन इज मैक्सिमम फॉर सल्फर एंड देन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कैटनेशन इज मैक्सिमम फॉर सल्फर एंड decreases down the group, ठीक है। तो कैटनेशन में इतना ही है। नेक्स्ट इज सेलेनियम, 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स और 4 आर रेड एंड 2 आर मेटालिक ग्रे। और भाई कैलीरियम में ओनली एक मिनट, ओनली क्रिस्टलाइन फॉर्म। पोलोनियम के लिए अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, अल्फा में ए बी ए बी पैकिंग होगी, बीटा में ए बी सी पैकिंग होगी। और नहीं, इसके बाद हो गया, हो गए एक सेकंड सर, एक सेकंड, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑफ एयर, और एक्शन ऑफ एयर में सल्फर सेलेनियम टेरियम प्लस ओ टू फ्रॉम एयर एस ओ टू एस ई ओ टू और टी ओ टू आता है भाई। वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, बस और नो रिएक्शन विद वाटर, चाहो तो लिख दीजिए। और नो रिएक्शन विद वाटर, नो रिएक्शन विद भाई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नो रिएक्शन विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और ये आपसे लिखनी चाहिए, आपको जल्दी जल्दी कॉपी करिए साथ साथ। सब में हीट है, देखिए यहाँ तो H2O4 NO2+H2 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों SO2 में जाते हैं, ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता, यहाँ पे H2SeO3 प्लस NO2 H2O SO2 प्लस H2O। टेरियम के साथ कॉन्केचन करते हैं तो H2
TO3 हाई टेम्परेचर पे TO2 प्लस NO2 प्लस H2 सबको बताता है। कॉन्केस्टर सफर में TO2 आता है क्योंकि कॉन्केस्टर सफर क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दिस इज एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कॉपी नोटेड सर। एक्शन ऑफ एल्केली करा रखा है, HO माइनस अपने आप करेंगे, HO माइनस एक्सेस और सेलेनियम प्लस HO माइनस सिमिलर रिएक्शन होती है, Se-2 प्लस Se2O3 माइनस और H2O, ठीक है। और भाई एक्शन ऑफ NaOH में इतना ही है। नेक्स्ट इज जनरल कंपाउंड्स, भाई हाइड्राइड्स यहाँ तक हो गया होगा। यस सर। ऑल ऑफ देम फॉर्म्स वोलेटाइल बाइवेलेंट हाइड्राइड्स, ऑल ऑफ देम फॉर्म्स बाइवेलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड्स of type H2A, of type H2A or oxygen and sulfur forms H2O2 and H2S2 also, H2O2 and H2S2 also. Next, hey, with the exception of H2O, all are colorless. With the exception of H2O, all are colorless. They all are colorless, poisonous. All are colorless, poisonous, and have unpleasant smell, and have unpleasant smell. ठीक है। और unpleasant smell, और भाई BP देखिए मैंने लिखवाया वैसे तो ये H2O, H2T, H2SE और H2S, ठीक है। और भाई next point, all the hydrides are covalent and covalent character increases from and covalent character increases from the H2O to H2T next thermal stability decreases on going down, thermal stability decreases on going down, और भाई ठीक है। इसमें देखिए H2O इनमें प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, इसमें ये sp3 होता था। कॉपी हो गया होगा ये? यस सर। नेक्स्ट लिखिए भाई भाई
to A2. देखिए ये लिखिए H2O2 या H2A2, H2A2 type sulfides are possible for oxygen and sulfur only, are possible for oxygen and sulfur only. Next, H2O2 is fairly stable. Fairly stable, except in presence of hot water and H2SO4. And H2SO4 or next, H2S2 is comparatively less stable, is comparatively less stable and undergoes disproportionation, and undergoes disproportionation to form H2S and sulfur. H2S and sulfur. ठीक है और both have open book structure. Both have open book structure. ठीक है और डाईहेड्रल एंगल सुना होगा भाई, अगर नहीं सुना हो तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़िए दोबारा से भाई. दोनों का डाईहेड्रल एंगल मतलब ये वैल्यूज होती हैं और भाई नेक्स्ट लिखिए हैलाइड्स. हैलाइड्स में लिखिए अच्छा OF2 तो मैंने बता ही दिया. OF2 हेक्साफ्लोराइड लिखिए पहले. हेक्सा फ्लोराइड्स और उसमें लिखिए हेक्साफ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल अमंग हेक्साहैलाइड्स. हेक्साफ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल हेक्साहैलाइड्स. और भाई एंड आर फॉर्म बाय एंड आर फॉर्म बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड पोलोनियम. एक्सेप्ट फॉर बट आज थ्योरी याद लिखाऊंगा ना. एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड पोलोनियम. Next, the all hexafluorides are colorless gases. All hexahalides are colorless. Sir, hexahalides are hexafluorides. All hexafluorides are colorless gases having low boiling point. Or reactivity mein dekhiye SF6, SCF6 or TF6. SF6 agar water se kare no reaction. Or SCF6 और TF6 करते थे H2SCO4. अब TF6 में क्या था बताएंगे अजंता? सर H2TeO3 बनता था, TeO4 वाज अनस्टेबल. क्या बात है
जय बेटा, ये तुक्केबाजी कहाँ से लाते हो? किताबें तुक्कों की कि ऐसे नेचुरली मारते हो? ऑन नोज लाइक वो एक एक तो अनस्टेबल था उसको, आई कंफ्यूज्ड विद दिस तो H6TO6 आता है भाई। भाई यहां पे टेलीरियम ऑक्सीजन का पाई 1 वीक था तो 6 OH आते थे। ठीक है, जल्दी से करिए। डन। देखिए SF6 इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इनर्ट। SF6 इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इनर्ट। थर्मली एंड केमिकली, थर्मली एंड केमिकली एक मिनट, मैं ये SF6 का हाइड्रोलिसिस लिख रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बट काइनेटिकली अनफेवरेबल, इसीलिए नहीं होता। ठीक है, तो एनीवेज भाई SF6 सर लिख पाता भाई। नेक्स्ट लिखिए भाई, SF6 गिव्स नो रिएक्शन इवन विद स्टीम, इवन विद स्टीम। और भाई It is mostly taken as electrical insulator. It is mostly taken as electrical insulator. Or hydrolysis of SF6 is thermodynamically favorable. Hydrolysis of SF6 is thermodynamically favorable. But it's kinetically unfavorable. ठीक है, और SF6 is much more reactive than SF4 is much more reactive than SF6. और नेक्स्ट पॉइंट इसी का रीजन लिखवा रहा हूँ, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम SF6 टू TF6। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम SF6 टू TF6 ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, पहला increasing bond polarity. Next, more exposure to nucleophile. Sterically. Next, more electrophilic central atom. ठीक है, और next more electrophilic nature of central atom. और अब देखिए ये पेज लिख दीजिए पहले। अब लिखिए टेट्राहैलाइड्स, ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म्स टेट्राहैलाइड्स। All except oxygen forms tetrahalides. Next, tetrahalide.
Fluoride cannot be obtained by direct combination. Tetrafluoride cannot be obtained by direct combination. उसके बाद देखिए SF4 is a gas. SEF4 is a liquid. SEF4 is a liquid. TF4 is a solid. Next. Tetrachlorides are also known and can be obtained by direct combination. और ए भाई इसके अलावा सेलेनियम का टेट्रा ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है, फैक्चुअल बात है. SeBr4 इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस टू गिव SeBr2 एंड Br2. ठीक है, नेक्स्ट है डायहैलाइड्स. एक डायहैलाइड्स और मोस्ट ऑफ देम फॉर्म्स डायहैलाइड्स. मोस्ट ऑफ देम फॉर्म्स डायहैलाइड्स. और देखिए ये एंगल इसमें पूछ लिया जाता है, तो HCl2 का HCF2 से ज्यादा होगा. HCl2 is a dark cherry liquid. और कुछ नहीं, मोनोहैलाइड से के S2F2 भाई Se2Cl2 Se2Br2 और ये सारे नोन है. ठीक है, और इसमें क्या बता दूं, इसमें डाइहेड्रल एंगल S2F2 और S2Cl2 ये होता है. यहाँ पे भी ओपन बुक स्ट्रक्चर और गॉश इफेक्ट इसके अलावा एस टू एफ टू के दो आइसोमर्स होते हैं. एक तो ये हो गया और एक ये हो गया. ठीक है, और ठीक ही है. मतलब ओ एफ टू के बारे में कल ये मोनोलाइट्स नहीं, फेलियर हो गया स्पॉइसनेस. बता दो नोटेड सर. यस.
ये OF2 अगर मैं ऐसे थोड़ा याद आ रहा है, OF2 इज गुड, OF2 इज अ स्ट्रांग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OF2 इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस क्रोमेट टू ऑक्सीडाइजेस क्रोमियम प्लस थ्री, क्रोमियम प्लस थ्री टू CrO4 minus 2, oxidizes Cr plus 3 to CrO4 minus 2. ठीक है, और इसमें देखिए L1 L2 कौन ज्यादा होगा बताया पहले. Sir, L2 greater than L1 because of low, like less lone pairs on oxygen, so less contraction. Less lone pair on oxygen? मतलब as per now, fluorine से कम है ना, तो oxygen के orbitals कम contract होंगे, oxygen के साथ bond होगा तब, so L2 will be like greater than L1 for Bent's rule, sir. आप बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हो यार, आपको ना स्टोरी मेकर बन जाना चाहिए. और कोई बच्चा? देखिए दो ही चीजें आंसर पिक करना तो इज नो बिग डील यार, मतलब एक बार L2 बोल दो, एक बार L1 बोल दो, तो आंसर तो कोई भी दे सकता है भाई. इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का केस होता है, आइडिया ही नहीं है. ये एफ माइनस इस तरह से यहाँ पे माइनस एच इफेक्ट आ रहा होता है, तो ये ओ ओ मतलब ये इसका हाइब्रिड जो होगा ये ऐसे होगा माइनस माइनस और ये, तो इसीलिए तो ये लेंथ जो होती है बड़ी आती है. तो बेटा मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ऑक्साइड्स पे आते हैं. देखिए एसिडिटी नीचे आता है तो कम होती है, एसओ टू और एस सी ओ टू भाई दे आर एसिडिक, टी ओ टू इज मोस्टली एम्फोटेरिक भाई, और भाई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी SO2 SCO2 ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसी बात होगी ना, प्लस फोर प्लस सिक्स दोनों ही अनस्टेबल होंगे इस ग्रुप पे नीचे, और SO3 SCO3 और TO3 रिड्यूसिंग एबिलिटी उल्टा हो जाएगा भाई, SO2, HCO2, TO2 और PO2. ठीक है, जल्दी करिए. और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर मोस्ट स्टेबल than other oxides, or trioxides are only oxidizing, whereas dioxides can be both. Or all can form monoxide except selenium. All can form monoxides except selenium. और फिर आते हैं डाइऑक्साइड्स पर. फिर डाइऑक्साइड में देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि SO2 लिक्विड जो होता है इसे सॉल्वेंट की तरह लिया जाता है, और भाई इसमें होता क्या है भाई, देखिए अगर मान लीजिए H2 है तो इसमें क्या होता है, ऑटो एनेशन होता है H+ का, तो इसमें ऑक्साइड का होता है वो, तो SO+2
एंड SO3 माइनस टू की तरह एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये वाले आयंस प्रोड्यूस करेगा लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिख दीजिए SO2 इज टेकन एज अ नॉन एक्वस पोलर सॉल्वेंट इन विच आयनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्साइड, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्साइड O minus 2. ठीक है, और ट्राइऑक्साइड्स में क्या ही बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ट्राइऑक्साइड्स, और उसमें लिखिए सल्फर सेलेनियम एंड टेलीरियम फॉर्म्स ट्राइऑक्साइड्स ऑफ कंपोजिशन MO3. सल्फर सेलेनियम एंड टेलीरियम फॉर्म्स ट्राइऑक्साइड्स ऑफ कंपोजिशन MO3. नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के इंपॉर्टेंट है, SO3 इज फॉर्म बाय कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, अपने आप नहीं बनता, SO3 इज ऑब्टेन्ड बाय कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2. ठीक है, और भाई नेक्स्ट ऑल ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड SO3 इज मोस्ट वाटर सॉल्युबल एंड SO3 इज मोस्ट वाटर सॉल्युबल एंड PO3 is least water soluble. PO3 is least water soluble. भाई इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 H2SCO4 और H6TO6 होता है। भाई आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, और साथ साथ कर लीजिए, वैसे बता रखे पहले होता है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज सल्फ्यूरस हाइपो सल्फ्यूरस और थायो सल्फ्यूरस। ठीक है, एक पायरोसल्फ्यूरस पर एक छोटा सा नोट भी लिख पा दूंगा, तो बता भी रखा है। डरे सर यस सर, लिख दीजिए पायरोसल्फ्यूरस इज द ओनली पायरो एसिड व्हिच हैज नो एमओएम लिंकेज। Pyrosulfur is the only pyroacid which has no MOM linkages. Or both sulfur atoms have same state of hybridization. Same state of hybridization, but have different state of oxidation.
would have different state of oxidation. इसके बाद ये कि सल्फ्यूरस एसिड सीरीज है, तो नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज. अब इसमें H2SO4 अपने आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, H2S2O3, ये सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं पहले, H2S2O7, H2S2O6, डाई थायोनिक एसिड और ये आ गया, और इसको हटा भी सकते हैं, चलिए लिख दीजिए. हो गया होगा अच्छा. अब लिख के थायो एसिड सीरीज, थायो सीरीज, डाइथायोनिक एक्चुअली इसमें भी ले सकते हैं, डाइथायोनिक ऐसे ही ट्राइथायोनिक और पॉली थायोनिक. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए परोक्सी एसिड सीरीज, परोक्सी एसिड सीरीज और उसमें एक तो H2SO5 सबको पता है, कैरोज एसिड बोलते हैं उसको, H2SO5 और दूसरा H2S2O8, H2S2O8. ठीक है अच्छा पार्टी. और भाई अब नेक्स्ट लिखिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, लिस्ट ही बनानी है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. फर्स्ट सल्फर सब ऑक्साइड, सल्फर सब ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिए H2O और H2O में लिख दीजिए एक कलरलेस गैस. नेक्स्ट सल्फर मोनोऑक्साइड SO, सल्फर मोनोऑक्साइड SO, ये भी कलरलेस गैस, कलरलेस गैस. और नेक्स्ट सल्फर सेस्की ऑक्साइड SES है ना, और सल्फर सेस्की ऑक्साइड H2O3, और ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड. नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस. नेक्स्ट SO3, SO3 और SO3 है वोलेटाइल लिक्विड,
volatile liquid. Or next, S2O7, sulfur heptoxide. S2O7 sulfur heptoxide. Or सल्फर हेप्टोक्साइड और लिक्विड होता है लास्ट सल्फर टेट्रोक्साइड सल्फर टेट्रोक्साइड SO4 और white crystalline solid. ठीक है जनता. So sulfur heptoxide का formula क्या था? I think I missed it. S2O7. Yes, thank you sir. ठीक है बच्चों. तो देखिए भाई आज इतना ही करते हैं और अब कल के लिए एक बार मैं टाइम टेबल अब दोबारा देख लूँ. भाई मॉर्निंग तो नहीं हो पाएगा फिर. आज इवनिंग हो सकता है यार. आज तो बहुत पैक है यार है ना. आज पॉसिबल नहीं. देखते हैं कल शाम. हाँ कल शाम को 6 लाइक है ना सर. आराम से कल शाम को भी चलेगा सर. एकदम लेट भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं ना. मैं अपने थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा टाइट है तो मैं मतलब कल आपको ग्रुप पे डिस्कस कर लूँ. मतलब मोस्टली 6 o'clock आप सबने बोला तो 6 o'clock मोस्टली. अदरवाइज मतलब हम 7:30 to 9:30 भी कंफर्टेबल टाइम होता है बच्चों के लिए सभी के लिए. ये क्लास उसके बाद भाई डिनर ठीक है तो भाई रख लेते हैं. नहीं रखा तो भाई नेक्स्ट वीक में तो मतलब टाइम ही टाइम है तो नेक्स्ट वीक में रख लेंगे ठीक है. सर नेक्स्ट वीक में छोटा डाउट है सर. पी ब्लॉक आपके ट्रैक का लास्ट चैप्टर है ना. हाँ बेटे. ओके सर. ओके बेटा ठीक है बेटा. इतना ही आएगा एमटीयू. ओके सर थैंक यू.